अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास, बबुनिया रोड, सिवान। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना, जिला प्रशासन सिवान के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय दक्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन सिवान शहर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्काउट गाइड जिला आयुक्त अभिषेक सिंह, अधिवक्ता राजीव रंजन उर्फ राजू, योग एसोसिएशन के जिला सचिव नवीन सिंह परमार, पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, स्कूल के प्राचार्य अशोक सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान योग एसोसिएशन जिला सचिव नवीन सिंह परमार ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली बच्चों के लिए किया गया है। दक्ष के नाम से जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बिहार सरकार के द्वारा लगभग 27 खेल का चयन किया गया है, जिसमें सिवान जिले में कुल 20 खेल का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में शहर के गांधी मैदान के समीप सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल में योग और बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में योग और बॉक्सिंग हेतु बच्चों का चयन किया जाएगा। चयनित बच्चे सारण प्रमंडल स्तर पर खेलने का काम करेंगे। किस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन सर किया गया है आज? ये बिहार सरकार का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है, जो स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। दक्ष के नाम से ये आयोजित होता है और उसका ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता चल रहा है। कुल बिहार सरकार ने इस बार कुल 27 खेलों का सिलेक्शन किया है, जिनका पूरे बिहार में आयोजन चल रहा है। सिवान जिले में कुल 20 खेल आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ ये सिटी मॉन्टेसरी विद्यालय है सिवान के गांधी मैदान के पास, यहाँ योग और बॉक्सिंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। और आज ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, यहाँ से योग और बॉक्सिंग के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो परमंडल में जाकर छपरा में खेलेंगे सिवान का प्रतियोगिता। इससे पहले भी होता था या इस नया इस बार? नहीं, योग पहली बार शामिल किया गया है। बॉक्सिंग पहले भी होता था, योग इस बार पहली बार शामिल किया गया है। और काफ़ी बच्चे आए हैं, उत्साह से भाग ले रहे हैं और इस बार ये परमंडल में जाएंगे यहाँ खेलने के लिए। इसमें सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय दोनों विद्यालयों के बच्चे शामिल। इस विद्यालय बस आज ही के दिन होगा या और दिन? नहीं, आज ही के दिन, हाँ, एक दिन का मतलब कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे सेलेक्ट करके आए हैं, योग का पहली बार है, इसलिए पहले बहुत सारे विद्यालयों में तैयारी नहीं हुई थी। अगले साल से फिर ये बड़ा आयोजन होगा। कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे तक चलेगा ये? 10 बजे स्टार्ट हुआ और 4 बजे तक चलेगा, जब तक बच्चों का ट्रायल पूरा नहीं हो जाए। कितने बच्चे हैं अभी जो इस खेल में पार्टिसिपेट किए हैं? योग में लगभग 30 बच्चे हैं और बॉक्सिंग में 40 की करीब संख्या है। सभी बच्चों से क्या कुछ कहेंगे आप? क्या हम यही कहेंगे कि जीवन में पढ़ाई जितना आवश्यक है, खेलकूद उतना ही आवश्यक है। और जब खेले कूदेगा भारत, तभी आगे बढ़ेगा भारत, इसी थीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है वो खेल कूद से दूर होकर मोबाइल में जा रहे हैं ज़्यादा, उस बच्चों को क्या करेंगे? मतलब प्रश्न है कि मूल समस्या यही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे खेलें और मोबाइल से उनको दूर किया जाए। मोबाइल से दूर तभी होंगे जब उनको खिलाया जाएगा। अभिभावकों से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों को खेलने का समय दीजिए, बच्चों को खिलाइए, कोई ना कोई खेल खिलाइए। दीप प्रज्वलित में कौन कौन से? दीप प्रज्वलित में यहाँ मूल रूप से वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह थे, गीरा भारती के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अधिवक्ता राजीव रंजन राजू आए थे, उसके बाद
कीड़ा भारती से खेलकूद से जुड़ा संगठन है कीड़ा भारती, उसके प्रोफेसर अवधेश शर्मा जी थे, भारत स्काउट गाइड के यहाँ के जो आयुक्त हैं जिला के अभिषेक कुमार सिंह जी थे, उसके बाद इस विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार सिंह जी के देख रेख में पूरा आयोजन हो रहा है, क्योंकि कैंपस उनका है, बिहार सरकार ने उनको यहाँ अधिकृत किया था कार्यक्रम करने के लिए, वो थे। उसके बाद इंदल कुमार सिंह जी हैं जो खेलकूद से जुड़े हुए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं कीड़ा भारती के, हमारे साथ खड़े हैं मधुसूदन पंडित जी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेम बाबू माथुर है आए हुए हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह हैं, ये सारे लोग हैं। मेरा नाम नवीन सिंह परमार हुआ, मैं योग एसोसिएशन जो है जिला योग एसोसिएशन उसका सचिव हूँ, कीड़ा भारती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इस कार्यक्रम का यहाँ जो सेंटर है इसका मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में आज हूँ यहाँ।